नमस्कार, मैं हूं नीरज भदवार। दोस्तों, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले दहेज में मर्सिडीज मांगी थी, वह अब हाथ जोड़कर इसके बदले ई रिक्शा मांग रहे हैं। लोगों का कहना है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है वो इसे खरीद नहीं पा रहे। मेरा कहना, भाई पेट्रोल खरीद नहीं पा रहे हो तो इससे तुम्हारे ही पैसे बच रहे हैं, मगर बजाय सेविंग के लिए सरकार को थैंक यू कहने के तुम उसे उल्टा सीधा बोल रहे हो। और मैं पूछता हूँ, पेट्रोल क्या सिर्फ आम लोगों के लिए महंगा हुआ है? सरकारों को भी तो देश में आग लगाने के लिए महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, पर क्या उन्होंने कभी शिकायत की? क्या कभी किसी दंगाई ने कहा, साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है मैं तो पेट्रोल बम ही नहीं बना पा रहा हूँ? नहीं ना। तो फिर आम आदमी ही पेट्रोल का रोना क्यों रो रहा है? उसमें भी पेट्रोल कीमतों पर सबसे ज़्यादा नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं जो ऑफिस भी शेयरिंग ऑटो में ड्राइवर की गोदी पर लटक के जाते हैं। वैसे भी हर चीज़ का दूसरा पक्ष भी होता है। हो सकता है सरकार ने तेल के दाम इसलिए बढ़ाए हों ताकि बढ़ती बेरोजगारी से परेशान होकर देश का युवा खुद पर पेट्रोल डालकर आग न लगा ले। हो सकता है उसने पेट्रोल इसलिए महंगा किया हो ताकि लोग दहेज में कारें लेना ही बंद कर दें। सच तो यह है कि आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लड़की वाले अगर कार देना भी चाहें तो लड़के वाले उनके खिलाफ ही दहेज प्रताड़ना का केस करवा देंगे। अब मैं पूछता हूँ कि सिर्फ पेट्रोल महंगा करने से अगर बेरोजगारों की जान बचती है, दहेज प्रथा खत्म हो रही है, पर्यावरण की रक्षा हो रही है, साइकिल चलाकर लोगों का पेट कम हो रहा है, तो किसको क्या तकलीफ है भाई? वैसे भी मेरा मानना है पेट्रोल की कीमतें अगर यूं ही बढ़ती रही तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी तो आम आदमी का तेल निकलेगा, और एक बार आम आदमी खुद तेल देने लगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मगर बजाय सरकार की इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को समझने के, कुछ लोग हायतौबा मचाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, समाज में टेंशन पैदा कर रहे हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इनका भला किया जा सके। दोस्तों, जर्मन कवि बर्टोल्ड ब्रेखत ने अपनी कविता में कहा था, सरकार जनता को भंग कर दे और अपने लिए नई जनता चुन ले। मुझे लगता है हमारी सरकार को भी ब्रेखत की सलाह पर विचार करते हुए ऐसी जनता को फौरन भंग कर देना चाहिए जो पेट्रोल की बढ़ी कीमतों में अपनी भलाई नहीं देख पा रही। धन्यवाद।